नहीं हो पाया। वीएलटी के दलजीत को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है, क्रेटोस ने एक नॉक जरूर निकाला था। स्नैक्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, क्या स्नैक्स कुछ यहाँ पे मैजिक दिखा पाएंगे। एकेएम उनके हाथ में, लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट, सामने प्लेयर को स्पॉट जरूर करा है। आई थिंक ट्रेजेक्ट्री ने बता दिया होगा कि प्लेयर कहाँ पे है। टीम वॉर के खिलाफ ये एक अच्छा मुकाबला बन सकता है। दलजीत को रिवाइव करना एक बहुत जरूरी टास्क है यहाँ पे टीम वेलोसिटी गेमिंग के लिए, बट अभी के लिए वो चीज वो नहीं कर पा रहे। स्नैक्स होल्डिंग ऑन हिज ओन, क्रेटोस का इंतजार यहाँ पे जरूर करा जा रहा है। क्रेटोस बगी में बैठ चुके हैं, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू कर जाता है। उस दूसरी तरफ पंख भी वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हायर क्लाउड से शॉट देने की कोशिश, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, बारडॉक नॉक प्लेयर को खत्म कर रहे थे, बट वहां पे स्नैक्स ने उनको नॉक कर दिया। स्नैक्स ग्राम पे एक और चुनौती, नॉक करने की कोशिश, जिगल जिगल यहां पे चलता हुआ स्नैक्स की तरफ से नीचे गिरा हुआ किया, गन चेंज करी, फुटे ऊपर और शॉट लिया, और इसी के साथ टीम वॉर ऑन द बैक फुट। स्नैक्स पे आखिरी 8 गोलियां थी और उसकी बदौलत तीसरा प्लेयर नॉक किया है स्नैक्स ने। द स्नैक्स इज हंग्री फॉर अ चिकन डिनर प्रोबेबली, और उसी की कोशिश हो रही है। चौथा प्लेयर बिल्कुल सामने है, सैवेजरी नजर आ रही है जिन पे क्रेटोस की नजर है। Velocity, back foot छोड़ करके एकदम से front foot पर आ चुके पूरी fights में। हालांकि अपने दो players खोए हैं, लेकिन जो रुतबा है, जो जज्बा है, वो अभी भी यहाँ पर है। जरूर आखिर में spot किया। It's a 3-0 for Snacks coming out and वहाँ पर Kratos भी एक पे यहाँ पर निकालेंगे। 1v3 किया Snacks ने, बेहतरीन, लाजवाब। Eat, sleep, kill, repeat Snacks यहाँ पर दिखाते हुए, but at the same time, I mean, क्राउच करके गन चेंज करना, रिच का फायदा उठाना, ये दिखाता है कितना एक्सपीरियंस है इस प्लेयर के पास, और वो क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट अभी भी टीम एक्सो अभी तक सर्वाइव कर रही है और चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है, एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ सकती है टीम एक्सो। एक्सो यहाँ पर जो प्लेसमेंट के हिसाब से गेम प्ले होता है उसी के ऊपर जा रहे, जो भी प्लेयर ऑफ एंगल में दिखेगा उसको पनिश करने की कोशिश है एक्सो। ये एक्चुअली इनका दूसरा टीम एलिमिनेशन है जो आखिरी प्लेयर को फिनिश किया जाता है, दूसरी बार इन्होंने किया है। इससे पहले एक टीम का एलिमिनेशन इन्होंने किया जरूर था, सामने जोकर को भी स्पॉट कर चुके, काफी अच्छा स्प्रे यहाँ पर जाएगा पंका एंड जोकर, ही विल नॉट लाफ अगेन एट दिस मोमेंट। 7 टीमें बची है, एक एक करके फिनिशेस निकालने की कोशिश है। 19 लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिसमें से टू गुड फॉर यू T10 और टीम एक्सो अपने मल्टीपल प्लेयर्स के साथ है। वेल स्पोक टू सून, टू गुड फॉर यू के एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए जोन यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ चुका है। सदर्न साइड पे आपको यहाँ पे एक हिस्सा दिख रहा है, फिर इस बीच में रोड है, फिर नॉर्दर्न साइड पे एक हिस्सा दिख रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये नॉर्दर्न साइड का अगर जोन बना, रोड को पार करना टीम एक्सो के लिए एक कड़ी चुनौती बन सकता है। सीएमएक्स की बात की जाए, गडूदा यहाँ पे है, लाइटनिंग है, यहाँ पे रोकने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकते हैं टीम एक्सो को अगर वो मूव ऑन करने की कोशिश करती है। बट फॉक्सी डेल्टा की बात की जाए, तैयार है बिल्कुल, हल्का सा पीक करेंगे, सामने दो प्लेयर को स्पॉट करके दोनों को एक ही स्प्रे में फिनिश करने की कोशिश वो कर सकते हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था, नॉर्दर्न साइड का यहाँ पे सर्कल बनेगा, वही बना, और अब रोड क्रॉस करनी पड़ेगी टीम एक्सो को। टीम एक्सो को ये सड़क जो है ये क्रॉस करनी पड़ेगी, वेल टू गेट अ चिकन फॉर देमसेल्व्स, अगर उनको चाहिए ना, आई एम प्रीटी श्योर वो इस चीज की कोशिश करेंगे। अब टीम मायावी से भी जोन जा चुका है और उनको भी वो जो सड़क है वो क्रॉस करनी है, बट देखिए दे आर रेडी फॉर इट। आई वांट टू सी कि किस तरीके से लोग ये रोड जो है क्रॉस करते हैं। प्लेयर्स अराउंड द जोन जा रहे हैं, एक को स्पॉट किया इसलिए ब्रो कोशिश, लेकिन थोड़ा सा ऊपर यहां पर जो स्प्रे है वो रह गया, थोड़ा सा लेट रिएक्शन नजर आया, बट उसके लिए तैयार थे उनके ही खुद के टीममेट्स। टीम मायावी यहां पर सीएमएक्स को एलिमिनेट करती नजर आएगी, कहीं ना कहीं आप एक हेल्पिंग हैंड मिला जरूर था, बट वही पर्सन से अब इनको रोड क्रॉस करनी है। दोनों के स्प्लिट के अंदर एक्सो भी फंस चुकी है, आई मीन फंस नहीं चुकी, बट उसके स्प्लिट को जो है वो भांप चुके होंगे उनके ओपोनेंट्स, एंड कोशिश रहेगी टेक डाउन करने की। जी हां, इसका यहां पे फिनिश चुराना चाहते हैं मायावी की टीम के फाइटिंग को खत्म करके, और बिल्कुल यहां पे T10 के डिस्कनेक्ट को वो फिनिश मिलता हुआ आपको नजर भी आ जाएगा। नकुल आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट अपनी टीम को टॉप 5 में लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। टीम एक्सो एक चिकन की तलाश में यहां पे जरूर है, चारों प्लेयर्स सर्वाइव भी करते हुए। देखिए यहां पे फॉक्सी अभी तक बचे हुए हैं, और मैं देखना चाहूंगा क्या फॉक्सी यहां पे कोई मैजिक कर सकते हैं, क्या वो उठ के आके आके टीम एक्सो के प्लेयर्स को नॉक कर सकते हैं या नहीं। इमॉर्टल खुद को जस्ट फुली बूस्टेड अप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स को स्पॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गेम रुइन कर सकते हैं। पंग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट वो T10 के प्लेयर्स को जो है वो स्पॉट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में देखते हुए नजर आ रहे हैं। डेल्टा अभी तक अपनी लोकेशन बिल्कुल नहीं यहां पर दी गई है उनके द्वारा, एंड इज जस्ट देयर। वहीं पर अगर आप नकुल को देखें, एक बोल्ड मूव यहां पर नकुल की तरफ से है, काफी आगे आ चुके थे, वेल ही हैव टू पे द प्राइस एज वेल, बट नो, वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट रिफ्लेक्स, एक शॉट मारा वो सिर पर लगा, एंड यहां पर बहुत बेहतरीन पिक यहां पर नजर आता जरूर है, बट डेल्टा को फिनिश किया सेंसे के द्वारा, अपना बैक एंगल फिनिश अप कर चुके हैं एक्सो। We might just be looking at a potential chicken dinner, but वहीं पर T10 के प्लेयर्स दिखाना चाहते हैं कि वो क्यों इस फाइट में है।
जी हाँ, नकुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बगी से उतर के प्लेयर को पीछे स्पोर्ट किया और उनको वहां पे एकम के साथ खत्म भी करा। दैट वाज अ ग्रेट वन। बट टीम एक्सो एक चिकन की तलाश में, टीम मायावी टॉप थ्री में अपनी जगह बना चुके हैं 8 फिनिशेस के साथ। टीम एक्सो के पास 7 फिनिशेस हैं। टीटन ईस्पोर्ट्स के पास चारों प्लेयर्स यहां पे जरूर हैं, बट उनके पास यहां पे 5 फिनिश देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी ब्लास्ट करने की कोशिश यहां पे जरूर है। इसका वहां पे उसी कंपाउंड में फंसे हुए हैं। आई थिंक वहां पे डिस्कनेक्ट रिवाइवल यहां पे शुरू कर चुके हैं शुरू के ऊपर। एंड लेट्स सी नकुल क्या यहां पे परेशानी डाल सकते हैं टीटन के प्लेयर्स को। तेज किए जा रहे हैं फंग की तरफ से। वहां पर अगर हम लोग बात करें तो शुरू को वहां पर पेक कर जरूर किया जाएगा। नंबर्स एडवांटेज ऑलरेडी आ चुका टीम एक्सो के पास। नकुल का नेट डिस्कनेक्ट को वापस से यहां पर डाउन करता है, बट शॉट लेने की कोशिश है टीम एक्सो के प्लेयर्स की। वेल, जो भी फिनिश आए जहां से भी आए उनके पास तो फिनिश आना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें अमित की, उन्हें एक अच्छा नॉक निकाला पंख के ऊपर जो थोड़ा सा अग्रसर हो रहे थे, बट ये अभी भी काफी नहीं था। अगले 20 सेकंड के अंदर ये सर्कल भी कम होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग बात करें टीम आईवी के, नकुल वो जोन में है अभी। देखिए नकुल का टारगेट यहां पे टॉप 2 के लिए बिल्कुल तैयार है, वो टॉप 2 आना चाहते हैं। बैग अपना उतार दिया है और मैं देखना चाहूंगा कितना अच्छा वैल्यू वो इस मैच से और निकाल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 3 में आ चुके हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर टीम मायावी। टीटन की ईस्पोर्ट्स की अगर यहां पे बात की जाए, अब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के साथ बचे हैं। वैसे अगर लिटरली देखा जाए 3 प्लेयर्स हैं, बट वो एक प्लेयर जो नॉक पड़े हैं उनको रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। एसका और अमित तैयार तो जरूर है, बट किस तरीके से एक्सो के सामने यहां पे टिकेंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी भी कहीं भी ये गेम जा सकता है। ओशन अमित को देखिए, उनकी लोकेशन स्पॉटेड और उनको घर से बाहर निकलना। There it is, he'll have to pay the price, and वो आएगा जरूर पंक के द्वारा। अब T10 के आखिरी प्लेयर बचे हैं जो कि है यहाँ पर एस्का। और लास्ट टाइम इस प्लेयर ने हमें पता है VLT को दिक्कत दी थी, इस बार एक्सो इनके सामने। हालांकि लास्ट टाइम बैकअप मौजूद था, इस बार ऐसा शायद ना हो। एक्सो they're happy, they're confident, they're going for a win, they will go for a win. एक प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। In fact, पूरी टीम जाती हुई बाहर, 10 से 11 बिल्कुल सामने। इट्स नॉट एक्सोस, इट्स एक्सो। ओवरऑल बेहतरीन गेम निकाल देखिए, हमने बात करी थी एक्सपीरियंस टीमों की कि वो आएंगे।